नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा, और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है, ये शेवरले की एंजॉय है और इसका डिफरेंशियल में प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रही है और इसमें आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है। तो हमें पता है कि इसमें बैरिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो हम इसकी बैरिंग जो है सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको खोल के कि क्या क्या अंदर डैमेज हुआ है। तो वैसे ये बैरिंग की वजह से ही होता है। तो आप देख सकते हो हमने एक साइड से इसे खोले और उसमें से जो डिफरेंशियल ऑयल निकलना चाहिए था, डिफरेंशियल ऑयल ना निकल के इसके अंदर से जो है वो इंजन ऑयल निकला, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हुई है। तो आप भी हमेशा जो है वो गियर ऑयल का इस्तेमाल करें। तो ये आप देख सकते हो बैरिंग की कंडीशन है, ये पूरी तरह से बैरिंग ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण से जो है डिफरेंशियल में प्रॉब्लम आई और डिफरेंशियल के जो गियर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत ख़राब हुए हैं। और इसकी जो कम्प्लीट बैरिंग सेट है वो हम पूरी बैरिंग सेट ही चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी बैरिंग वगैरह सब अपनी जगह से हिल चुकी हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी हम चेक कर रहे हैं। और इसका जो क्राउन का दूसरा साइड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसकी जो बैरिंग है, जो बैरिंग का मैंने अभी हिस्सा दिखाया है, कुछ हिस्सा जो है ऑयल के साथ ही गिरा था, तो वो भी मैं आपको अभी जो है दिखाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा इंजन ऑयल है और इंजन ऑयल में आप बैरिंग के टुकड़े देख सकते हैं कि बैरिंग बिल्कुल ही टुकड़ों में बिखर गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि जब लुब्रिकेशन कम होता है और गियर में, और क्योंकि जब ज़्यादा लोड वाली चीज़ पे अगर लुब्रिकेशन कम होता है तो उसके टूटने के चांसेस जो हैं वो हीट होकर ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये क्राउन का दूसरा साइड है जो कि गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है और इस पर आप गियर टूटने के इससे देख सकते हैं कि इसके कूदने की वजह से गियर भी जो है वो टूट चुके हैं। और ये ज़्यादातर जो है बैरिंग के हिस्से की वजह से ही टूटा है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ चुका है, तो इसकी वजह से गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और इसके बैरिंग जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। तो अब इसके पार्ट आएंगे, जब हम इसको असेंबल करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नया टॉपिक।